हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाए और आपकी सारी विश पूरी करे। इस नए साल पे आप अपने हार्ट को हेल्दी और स्ट्रांग रखने के लिए एल्कोहल और स्मोकिंग, किसी भी तरह की लय जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, ये आप बंद करें। और अपने हार्ट के बारे में 5 इम्पोर्टेंट नंबर हैं, वो अपना उनके बारे में जानें और उनको नॉर्मल रखने की कोशिश करें ताकि आपका हार्ट लंबे टाइम तक स्ट्रोंग और हेल्दी रहे। फर्स्ट नंबर है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में आपका गोल होना चाहिए लेस देन 120/80 mmHg, क्योंकि ब्लड प्रेशर लंबे टाइम तक ज़्यादा रहता है तो ये आपको हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, आईज है और शरीर के बहुत से ऑर्गन को डैमेज करता है। और हर घर में एक डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ताकि वो अपना बीपी चेक कर सके। सेकेंड नंबर है टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल का गोल आपका 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल आपकी ब्लड वेजल्स में जमा होता है, हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है और डेथ कर सकता है। थर्ड नंबर है ब्लड ग्लूकोज। आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है जो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रहना चाहिए। यदि आप खाने के बाद में करते हैं तो आपका लेवल 125 से लेकर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के लगभग रहना चाहिए, क्योंकि यदि लेवल आपका खाने के बाद में आपका 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है तो आप डायबिटीज की रेंज में आ जाते हैं। ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करने के लिए आप हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट भी कर सकते हैं, जो 2 से 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर को बताता है। यदि आपका हीमोग्लोबिन A1C लेस देन 5.6 है तो आप नॉर्मल हैं, ये आपका आइडियल लेवल है। यदि हीमोग्लोबिन A1C आपका 5.7 से 6.4 है तो आप प्री डायबिटिक की रेंज में हैं, और यदि आपका हीमोग्लोबिन A1C 6.5 से ज़्यादा आ रहा है तो आप डायबिटीज में आ जाते हैं। डायबिटीज शरीर के सारे ऑर्गन को अफेक्ट करता है, इसलिए इसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। चौथा नंबर आता है आपका पल्स रेट। पल्स रेट आपको अपना 60 से 80 की रेंज में रहना चाहिए, क्योंकि यदि पल्स रेट आपकी 80 के ऊपर जाती है तो फिर आपके हार्ट पे स्ट्रेन पड़ने लग जाता है। और यदि पल्स रेट आपकी बहुत कम होती है, जैसे 40 के भी नीचे आने लग जाती है, तो फिर आपको चक्कर आना, बेहोशी होना और कमजोरी जैसे सिम्टम आने लग जाते हैं। फिफ्थ नंबर है आपका BMI, बॉडी मास इंडेक्स, और जो बॉडी वेट है उसको आपको नॉर्मल रेंज में रखना है। BMI आपको लेस देन 25 रखना है, क्योंकि यदि आपका BMI 25 से ज़्यादा जाता है तो आप और वेट और ओबेसिटी की तरफ जाने लग जाते हैं। इन पांचों नंबर को आप कंट्रोल में रखने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, जिसमें आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। रोज 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करना है। डाइट में आपको साल्ट और सोडियम बहुत कम लेना है, शुगर, तेल, फास्ट फूड ये बहुत कम लेना है, और फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सलाद है, ये आप काफ़ी मात्रा में ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको किसी तरह का स्ट्रेस नहीं रखना है और 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेना है। यदि आप ये 5 नंबर ध्यान में रखते हैं और इनको अपना नॉर्मल रेंज में रखते हैं, इसके साथ साथ आप एल्कोहल या स्मोकिंग नहीं करते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हेल्थी डाइट लेते हैं, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तो आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहेगा। थैंक यू ऑल फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।